क्या आप उन्हें समझाती तो सही, कितनी अच्छी लड़की है रुतबा। ठीक कह रही हो तुम, समझाती क्या मैं उसे, उसने तो मेरी बात सुनी नहीं, मुझे बात करने का मौका भी नहीं दिया। ये मैंने बात शुरू की और साथ ही उसने इनकार कर दिया। और क्या जवाब? बेवगी को जवाब बनाया उसने। रुतबा बेवा है, इसमें उसकी क्या गलती, ये तो उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, वो बेख्तियार है। कितना खुश हो रही थी मैं कि रईस मामू रुतबा की शादी हो जाएगी, दोनों बिल्कुल एक जैसे, जैसा जाहिर खूबसूरत वैसा ही अंदर। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, मैंने उसे कितना कहा कि भाई एक बार तुम उससे मिल लो, बात कर लो, उसके बाद फैसला करना। पता है मैं दिल से चाहती थी कि रईस की बीवी ना रुतबा ही बने, और देखो तो क्या कमी है उसमें, नेक है, सादतमंद है और साबित कदम और मजबूत है। तन तन्हाई जिंदगी गुजारी है उसने, क्या कुछ नहीं देख लिया उसने इतनी सी उम्र में। मुझे तो लगता है रईस को ऐसी ही बीवी की जरूरत है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसकी सोच को, ऐसा था तो नहीं। पता है कभी कभी खुशहाली और कामयाबी इंसान को बेहिस भी बना देती है। अच्छा खासा तल्ख हो रहा था वैसे वो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा तुम अपने दिल पे ना लो ना, रईस के नसीब में जो होगी उसको मिलेगी, और रुतबा के लिए भी मुझे यकीन है कि अल्लाह मियां ने कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अम्मी अगर आप कहें तो मैं एक दफा रईस मामू को मनाने की कोशिश करूं। अरे उसने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारी कहां सुनेगा। सच्ची बात है, शाहपारा ने उसका दिमाग खराब कर दिया, सुहाने ख्वाब दिखा दिए। पता नहीं वो किस हूर परी की तलाश में है, मेरी तो समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है ना, आप कुड़े मत, अगर लोगों ने उनको सुनहरे ख्वाब दिखाकर जहन बदल दिया है तो हम उनको हकीकत समझाकर उनकी सोच बदल देंगे, कोशिश करने में क्या हर्ज है। देख लो तुम, रईस का रवैया देख के मुझे ये बात मुमकिन नहीं लगती, लेकिन फिर भी तुम्हारी मर्जी है। चलें, अल्लाह हाफिज़।